हेलो बच्चा पार्टी। और बेटा कैसे हैं सभी? मस्त होंगे हम। पेपर की तैयारी बढ़िया चल रही होगी और पेपर में भी काफ़ी टाइम है, ठीक है? तो आपकी जो परेशानियां रहती हैं कि पेपर कब होंगे या कब नहीं होंगे, होंगे भी या नहीं होंगे, तो पहली बात तो ये है कि बेटा पेपर तो होंगे हैं, बोर्ड एग्जामिनेशन तो आपके होके रहेंगे, ठीक है ना? अब वो कब होते हैं, कैसे होते हैं, किन सिचुएशंस में होते हैं, वो डिपेंड करेगा CBSE और शिक्षा मंत्रालय, ठीक है? आप सभी को आज का इंतजार था कि पेपर में क्या होने वाला है, तो उन्होंने बस ये बताया है कि आपका जो सिलेबस है वो और रिड्यूज नहीं होगा, जितना रिड्यूज हो चुका है उतना ही रहने वाला है, ठीक है? तो आप लोग ये सोच रहे थे सिलेबस और रिड्यूज होगा, उसके अकॉर्डिंग स्टडी करी जाएगी, तो भाई स्टडी तो आपको पर डे करनी है। स्टडी कोई होली या दीपावली नहीं है कि कुछ मौसम आएंगे तभी पढ़ाई करी जाएगी, जो आपकी पढ़ाई है वो डेली करी जाती है, ठीक है ना? कोई मौसम नहीं देखा जाता कि हम जब मन करेगा तब पढ़ाई करेंगे, ठीक है? मन पढ़ाई करने का कभी होता नहीं है, इसलिए मजबूरी में पढ़ाई कीजिएगा, खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ठीक है ना? सिलेबस लगभग लगभग हो ही गया है ऑफलाइन वालों का, ऑनलाइन पे टाइम नहीं मिलता इतना जो वीडियो अपलोड हो सके। बेटा टाइम मिलेगा तो कोशिश करेंगे आप लोगों को इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट मटेरियल तो डाल ही दें, ठीक है? बाकी टॉपिक्स तो मैं सारे डाल ही दूंगा, इंपॉर्टेंट करवाऊँ वो भी और जो ना करवाऊँ वो भी, नाम बता दूंगा उस हिसाब से आप लोग तैयार कर लेना, ठीक है ना? परेशान नहीं होना, बोर्ड की प्रिपरेशन करिएगा। कुछ पता नहीं कब बोर्ड हो जाए आपका, ठीक है? मार्च की भी कंफर्म नहीं है, मार्च में होगा या नहीं होगा, ठीक है? तो ये अभी कोई निश्चित डेट नहीं है, डेट शीट आ जाएगी और किन सिचुएशंस में परीक्षाएं होंगी वो सब डिपेंड करेगा, ठीक है? बाकी तो अफवाहें उड़ती रहती हैं कि फरवरी में एग्ज़ाम है कि मार्च में एग्ज़ाम है, तो आप ये मत सोचिएगा कि एग्ज़ाम कब है, बस आप ये मान लो एग्ज़ाम हमारा 15 दिन के बाद है। आप अपनी स्टडी करिएगा, आप अपनी तैयारी कंप्लीट रखिएगा, एग्ज़ाम जब होएगा तब देखेंगे, अच्छे से एग्ज़ाम करेंगे, ठीक है ना? तो बाकी फिजिकल केमिस्ट्री आप लोग कर लीजिएगा से खुद से, कोशिश ये करिएगा कि NCERT तो पूरी करी कर लें, ठीक है ना? नोट्स हैं जो, नोट्स के साथ साथ NCERT कर लीजिए, सॉलिड स्टेट आसान सा चैप्टर है वो भी करिएगा। सॉल्यूशन में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, उनके न्यूमेरिकल पर ध्यान दीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन बनता है वहाँ से, बाकी सब आसान है। ऐसे ही इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में नस्ट इक्वेशन और इलेक्ट्रोलाइसिस में आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है ना? इनके क्वेश्चन करिएगा, लॉग वगैरह सॉल्व करना सीख लीजिएगा, ठीक है ना? बाकी सब थ्योरेटिकली आगे कंडक्टेंस बिहेवियर वगैरह वो मैं सब बता चुका हूँ आप लोगों को, काफ़ी आसान चैप्टर है, ज़्यादा टफ ये भी नहीं है। केमिकल काइनेटिक्स आपका न्यूमेरिकल रहेगा यहाँ से, तो आप लोग उसके न्यूमेरिकल की तैयारी करिएगा, जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है? और फर्स्ट ऑर्डर इन गैसियस फेज, उसका फॉर्मूला है, सीधे सीधे फॉर्मूला लर्न कीजिएगा, ठीक है ना? और उसके बाद बात करते हैं सरफेस केमिस्ट्री, आसान है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, वहाँ से मैं आपको इंपॉर्टेंट डाल दूँगा। पी ब्लॉक डी ब्लॉक और आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सब लर्निंग चैप्टर्स हैं, कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, कुछ एक्सेप्शंस हैं वो मैं बता दूंगा, जो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, कुछ वीडियो तो उसके पड़ गए हैं, जो बचे हुए हैं वो भी मैं डाल दूंगा, ठीक है? परेशान नहीं होना। अब बात करते हैं ऑर्गेनिक की। हाँ, सबसे ज़्यादा समस्या बच्चों की रहती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे पढ़ा जाए, तो सबसे पहली बात है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आप लोग पढ़िएगा, उसके बाद उसको रखिए किताब को साइड में, सोचिएगा कि आपने जो पढ़ा तो वो क्या पढ़ा। कंपाउंड्स लगभग सब सेम ही लग नज़र आते हैं ऑर्गेनिक में, आप लोग कहते हैं सर सब सेम ही है, तो सब सेम नज़र आते हैं बेटा, उनको दिमाग में रखिएगा, लिख लिख कर याद कीजिएगा। कोई भी हो टीचर वो हमेशा यही करेगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप लोग अपने टिप्स पे लाइए, मीन्स लर्न कीजिएगा, लिख कर याद कीजिएगा। बाकी जो भी मैकेनिज्म होती है वो सब बताई जाती है, मैंने तो आपको शायद है कि कोई भी रिएक्शन ऐसी नहीं छोड़ी कि मैकेनिज्म ना बताई हो, मैंने जितना भी चाहे रिडक्शन रहा हो चाहे ऑक्सीडेशन रहा हो, कैसे बॉन्ड तोड़ना है, कैसे ऑक्सीजन को सेट करना है, कैसे हार्डन हार्डन दे के बॉन्ड तोड़ना है, किसका बॉन्ड टूट के किस में जाता है, वो मैंने हर बार बताया है आपको, हर चीज़ बताई है ऑफलाइन में मैंने आपको, ठीक है? ऑनलाइन में भी कोशिश करूँगा मैं, अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं डाल दूँ, व्यस्त शेड्यूल ही बेटा इतना रहता है, काम ही मेरे लिए इतना हो जाता है बैचेज का कि मैं फ्री नहीं हो पाता जो वीडियो बनाऊँ आप लोगों के लिए, कोशिश करूँगा मैं, ठीक है, कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के लिए बना सकूँ, ऑर्गेनिक भी थोड़ा बहुत स्टार्ट डालूंगा, नहीं तो मैं आपको टॉपिक तो 100% दे ही दे दूँगा, ठीक है ना? तो हेलो एल्केन्स और हेलो अरेन्स में आपको हेलो अरेन्स से कुछ सेंड में रिएक्शन वगैरह वो तैयार कर लो, और हेलो एल्केन्स में क्या एल्कोहल से एक प्रिपरेशन जैसे SOCl2 यानी थायोनिन क्लोराइड से आपकी प्रिपरेशन हो गई, फिंकलस्टीन रिएक्शन हो गई, स्वार्च रिएक्शन हो गई, कुछ रिएक्शंस हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछी जाती है, ठीक है ना? ऐसे ही आपका एल्कोहल हो गया बेटा, एल्कोहल का ऑक्सीडेशन और कीट और उसके बाद फिनॉल वगैरह हो गया, तो उनका एसिडिक बिहेवियर वगैरह ये सब चीज़ें देखते रहिए, ठीक है ना?
एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक, अच्छा चैप्टर है, यहाँ से सबसे ज़्यादा नंबर का पूछा जाएगा आपका, ठीक है। शायद ये आपका 8 मार्क्स का यानी 8 मार्क्स का आपका चैप्टर है, ये काफ़ी बड़ा है और आपका यहाँ से आएगा, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की कोशिश करिएगा, हेलवाड़ा जेलेंस की वगैरह यानी HBZ रिएक्शन वगैरह जो रिएक्शन है उनको तैयार करिएगा। अच्छा, अमाइंस आसान चैप्टर है, कोशिश करना आप बेसिक स्ट्रेंथ वाले जितने भी क्वेश्चन है कि किसकी बेसिक स्ट्रेंथ घटते हुए क्रम में बढ़ते हुए बन डिग्री टू डिग्री इनकी बेसिक स्ट्रेंथ बॉइलिंग पॉइंट वगैरह आप लोग तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। और हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन हो गई, कार्बिलामाइन टेस्ट हो गया, कार्बिलामाइन रिएक्शन हो गई, ये कुछ रिएक्शंस हैं जैसे थैलीमाइड सिंथेसिस है या जेब्रल थैलीमाइड है ना, तो इनको आप लर्न कीजिएगा, ठीक है ना। मैं कुछ ही टॉपिक बता रहा हूँ बेटा, सारे नहीं बता रहा, बाकी मैं सारे आपको बता दूँगा, ठीक है। जब मैं आपको वीडियो डालूँगा तब सारे टॉपिक बदल दूँगा। उसके बाद बात करते हैं अपन लोग बेटा बायोमोलिक्यूल्स की, तो बायोमोलिक्यूल्स में कोशिश कीजिएगा जो 6 रिएक्शन दिए ना ग्लूकोज की, उसका ओपन चेन स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करने के लिए वो तैयार कर लीजिए, साइक्लिक स्ट्रक्चर तैयार कर लीजिए, बाकी सब थ्योरेटिकल क्वेश्चन ये स्ट्रक्चर वाले हैं, तो वहाँ से आप लोग आसानी से धीरे 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 लिख लिख के याद करेंगे, ठीक है। घबराना किसी के बच्चे को है नहीं, पी ब्लॉक आपका लेंदी पड़ेगा और उसके बाद आपको पड़ेगी लेंदी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिएक्शन आज लिखिए, दिमाग में रखिएगा, सोचिए उन रिएक्शंस को कि हमने कैसे किस रिएक्शन को लर्न किया, उसके बाद मैं आपको वो भी बता दूंगा, मैं कहने बता चुका हूँ जो ऑफलाइन बच्चे हैं उनको, ऑनलाइन वालों को भी बता दूंगा, ठीक है। फिर अगला चैप्टर पकड़ो, चैप्टर पकड़ लिया उसके बाद एक दिन ये सोचो कि हमने जो पढ़ा क्या वो हमें याद है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भूलते जल्दी हैं, ठीक है ना। अब जैसे मैं हूँ, मैं तो आसानी से कर लेता हूँ क्योंकि मुझे तो एक्सपीरियंस, मान लो या मान लो कि मैंने भी अपने टाइम में मैंने भी 12th किया होगा 2014 में, तो मैंने भी तो लिख लिख के याद किया होगा बेटा, कोई ये तो है नहीं कि मैं भी डायरेक्ट सीख गया ना, मैंने भी ट्रिकें बनाई हैं अपनी, बॉन्ड कैसे तोड़े जाते हैं, बॉन्ड कैसे बनते हैं, तो ये सब ट्रिक से ही तो आया मुझे, तो मेरी भी कोई ये ज़्यादा कुछ नहीं है ना, मैं भी 6 साल पहले 12th किया हुआ है बेटा, तो मैं वही एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आप लोगों से, आप लोग लिख लिख के याद कीजिएगा, ठीक है ना। जितने ज़्यादा लिखेंगे मजबूत होगा। अब मान लो लिख लिख के याद करें, अगर आप कभी भूल भी जाते हैं तो कम से कम आपके दिमाग में इमेज तो बनी हुई है कि मैंने अपनी कॉपी पे ऐसा कुछ लिखा हुआ था, तो आंखें बंद करेंगे याद आ जाएगा, उसको लिख देंगे आप लोग। इसे रटना नहीं बोलते, इसे बोलते हैं कि हमने समझ समझ के चीज़ें की, इसलिए तो पिक्चर बन रही है हमारे सामने, ठीक है ना। तो लिख लिख के याद कीजिए चीज़ों को, जितना ज़्यादा लिखेंगे उतना सब्जेक्ट आपका मजबूत होगा बेटा, ठीक है। आगे भी आपको कंपटीशन के एग्जाम देने हैं, वहाँ भी सिलेक्शन आपको देगा। कंपटीशन के एग्जाम में सबसे आसान केमिस्ट्री आती है, आप लोग आसानी से कर लीजिए केमिस्ट्री, आपका सबसे ज़्यादा मार्किंग केमिस्ट्री में से ही होगा, ठीक है ना। तो बोर्ड की जितनी भी खबरें थी कब होंगे कब नहीं होंगे उससे बेफिक्र रहिए आप लोग, आपके पास ये मान लो मेरे पास 15 से 20 दिन नहीं है, इस हिसाब से टारगेट करके चलिएगा, हर सब्जेक्ट को टाइम दीजिएगा, और जितने भी चैप्टर आप लोग कर सकते हैं वो ऐसे कर लो, प्री बोर्ड जो स्कूल में चल रहे हैं तो वो प्री बोर्ड को बोर्ड समझ के दीजिएगा, लगभग लगभग वो मैटर सब तैयार कर लीजिए, थोड़ा बहुत जो कन्फ्यूजन हो जाए उसको बाद में क्लियर कीजिए, ठीक है ना। प्री बोर्ड मान लो हमारा बोर्ड है, ऐसे प्रिपरेशन करिएगा, ठीक है ना। बाकी आप ये सोच रहे हो कि कोरोना की वजह से पेपर लेट होंगे या पेपर कब होंगे, उसको छोड़ो भाई, उसको क्यों इतना सोच रहे हो, वो तो बोर्ड की टेंशन है, HRD मिनिस्टर की टेंशन है, सिलेबस करवाने की हमारी टेंशन है, वो हम करवाएंगे, आपकी टेंशन क्या है, पेरेंट्स फीस देते हैं, फीस की टेंशन उनको होनी चाहिए, आपको बेटा के लिए पढ़ना ही तो है, पढ़ने की टेंशन है आपके पास तो पढ़िएगा, कि पढ़ने पे कोई कॉपी छीन लेता है आपसे कि नहीं बेटा तू टॉप कर जाएगा कॉपी छीन लेगा उसने, ऐसा तो कोई नहीं करता पेरेंट्स, ना किसी का छोटा भाई बड़ा भाई ऐसा करता होगा, तो आपको पढ़ना है बेटा, पढ़ाई करिए अच्छे से, लिख लिख के याद कीजिए चीज़ों को, ठीक है ना। क्योंकि लिखा हुआ आपका लंबे समय तक आपके दिमाग में रहता है, एक इमेज बनाता है, ओरली आप याद कर लेंगे, पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक को बहुत बार आपको पढ़ना पड़ेगा तब कहीं आगे आपकी उंगलियों पाएगा, ठीक है। बाकी जो एक्सेप्शन है उनकी मैं कविता बना देता हूँ, हर कविता दे देता हूँ बच्चों को मैं तो, कि इस कविता से पढ़ लो हो जाएगा, ऐसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ने पूरा एक चैप्टर एक कविता से खत्म कर दिया आपका, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कर दिया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कर दिया स्पेक्ट्रोकेमिकल समझा के आपका, ऐसे D और ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बता दिया मैंने एक्सेप्शन वाला, तो वो सब चीज़ें हैं ना, तो कविता मैं आपको भी दे दूंगा सभी को, तो परेशान मत होइए। बस मेरा आपसे यही एक बात मैं बोलूँगा आपसे कि आप चीज़ों को लिख लिख के याद करें, सोचें चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है ना। ये नहीं कि बस पढ़े और तुरंत फ़ोन ले लिया या TV देखने लगे, ऐसा कुछ नहीं। जो आपने पढ़ाया उसको रिमाइंड कीजिए कि हमने क्या पढ़ा, रिमेंबर कीजिए बार बार, सोचिए कि हमने क्या पढ़ाया, ठीक है। अपने अपने मार्क्स आ जाएंगे आपके अच्छे से अच्छे, सिलेक्शन हो जाएगा जहाँ आप चाहेंगे वहाँ। अब खेलने से या 4 जगह साइकिल दौड़ाने से तो नंबर नहीं आने वाले, सुबह ट्यूशन में शाम को कोचिंग में, सेल्फ स्टडी कर नहीं रहे भाई, दिसंबर आ गया, सेल्फ स्टडी कब करेंगे, ये तो पीक पॉइंट है आपका, यही तो पीक टाइम है जहाँ पे आपको सेल्फ स्टडी करना है, सेल्फ स्टडी करिए, अच्छे मार्क्स लेके आइए, यही तो मेन पॉइंट है आपका जिसमें आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। बाकी अब तक तो टीचर के ऊपर था कि सिलेबस नहीं हो रहा, यू नो आप लोग ये वो, आप सभी को सिलेबस मिल चुका है, लगभग लगभग 1-2 यूनिट रहेगा वो करवा दिया जाएगा आपका, सिलेबस टाइम पर दे रहे हैं आपको करवा के भाई, इनका नहीं हो रहा उनकी छोड़िए, आप अपनी टेंशन ले लीजिए ना,
आपका सिलेबस टाइम पे हुआ है तो आप अपनी सोचिएगा, किसी दूसरे की क्यों सोचना भाई, हमें टॉप करना, हमें अच्छे मार्क्स लेके आना, तो हम अपने बारे में सोचेंगे ना। मैं तो हर बच्चे को दुआ देता हूँ कि सब बच्चा अच्छे से करे, खूब अच्छे से नंबर आए, सब बच्चों के पेरेंट्स खुश हो जाए, हर बच्चे का सिलेक्शन हो जाए, हर बच्चा खुश रहे अपनी लाइफ में। आपका फ्यूचर है भाई, खुश रहोगे तो हमें भी खुशी होगी कि हमारे बच्चे इतने प्यारे प्यारे छोटे छोटे आते थे, पढ़ते थे हमसे, इतना अच्छा नाम रोशन किया हमारा, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन किया है ना। तो पढ़िएगा उन चीज़ों को, ओके। दुखी होना नहीं है, टेंशन लेना नहीं है। टेंशन लेने के लिए हम सिलेबस करवाएंगे, एग्जाम की टेंशन लेने के लिए CBSE बोर्ड है वो टेंशन लेगा, HRD मिनिस्टर टेंशन लेगा। भाई आप पढ़ाई करिए, आपको कोई पढ़ाई की टेंशन होनी चाहिए, उसमें अभी कोई दिक्कत नहीं है ना। पढ़िए, जहाँ भी आप कोर्स ट्यूशन पढ़ते हो या जहाँ भी आप ऑनलाइन स्टडी करते हो, जहाँ से भी आप हेल्प को हेल्प मिलती है वहाँ से बटोरो भाई। सब दे रहे हैं, किसी का भी ले लो सिलेबस, किसी का भी ले लो कोर्स, कोई रोका थोड़ा नहीं है कि मैं ही कहता हूँ मेरा चैनल सब्सक्राइब करो। मैं तो किसी से बोलता भी नहीं भैया सब्सक्राइब करो, ढेर सारे चैनल हैं किसी से। अरे आपका भला होना चाहिए भाई, हमारा वाले से क्या, हमारे वाला होने से क्या हो रहा है, आपका भला होना चाहिए। आपकी लाइफ है, अच्छा लगे सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। मैं तो कभी नहीं बोलता ऐसा, तो बस मैं यही कहूँगा अपने पेरेंट्स को खुश रखिएगा, अच्छे मार्क्स लेके आए तो पेरेंट्स अपने आपके अपने आप ही खुश रहेंगे आपसे, ठीक है। सपने सबके साकार करिएगा, खुश रहिए, टेंशन नहीं लेना है। पेपर जब होगा तब होता रहेगा, 15 से 20 दिन मान लो पेपर हमारा होने वाला है, हम उसी अकॉर्डिंग पढ़ाई करेंगे। कम से कम 5 से 6 घंटे सेल्फ स्टडी करिए, तब कुछ होने वाला है इस टाइम पे, ठीक है ना। फिर कभी मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, चलते हैं पढ़ाई की बात करेंगे फिर कभी। आज बस आप लोगों को समझाया है, कुछ टॉपिक बता दिए 12th वालों के लिए, ठीक है ना। फिर कभी 10th की बात करेंगे, 9th की बात करेंगे, 11th की बात करेंगे, मिलते हैं फिर कभी। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।